नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, वर्तना की प्रशंसा कौन करते हैं। प्रश्न है, वर्तना की प्रशंसा कौन करते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही होगा, विलक्षण। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मसूत्र रेखा क्या है। चार विकल्प दिया गया है, तो सही विकल्प जानते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, मध्य रेखा। तो ब्रह्मसूत्र रेखा क्या है? मध्य रेखा जो होती है ब्रह्मसूत्र रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भरूच में पाई जाने वाली पाई गई हीनयान की मूर्ति किस काल की है। जो भरूच में पाई गई हीनयान की मूर्ति है किस काल की बनी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुंग काल की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, किसकी मूर्तिकला पर अफ्रीकन प्रिमिटिव आर्ट आधुनिक आदिम कला का प्रभाव दिखाई देता है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पिकासो की। पिकासो की मूर्ति पर अफ्रीकन प्रिमिटिव आर्ट आधुनिक आदिम कला का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, 1928 में किस कवि ने अति यथार्थवाद व चित्रकार नाम की पुस्तक प्रकाशित की। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रेदो। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्के का रस या मोम का लेप क्यों लगाते हैं। सिल्के का रस या मोम का लेप क्यों लगाया जाता है? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन डी, टेम्परा को फबूस से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अंकोर वाट कंबोडिया के मंदिर पर किस शैली का प्रभाव है। तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत, भारतीय शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति फ्रांस के लॉरेंजो गिब्बर्टी का है। तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गेस्ट ऑफ पैराडाइज। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में प्रसिद्ध सफेद संगमरमर की खान कहाँ पर है। तो सफेद संगमरमर की खान पाई जाती है करारा, इटली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रभाववाद का पितामह किसे कहा जाता है। उत्तर प्रभाववाद का पितामह किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लिशिया को। अगला प्रश्न है, पाल सिंजा कहाँ रहते थे। पाल सिंजा कहाँ रहते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पाल सिंजा किस ढंग की आकृतियां बनाते थे। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्यामिति। आगे देखते हैं, प्रश्न है, मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहते हैं। मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झींकी। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्र शैली में चित्र रंग भरकर और खुरच कर बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, कपड़े पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, पाल सिंजा की नवीनता से किस वाद को सफलता मिली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घनवाद। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, द कार्ड प्लेयर्स किसकी पेंटिंग है।
द कार्ड प्लेयर्स पालसिंजा की पेंटिंग है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों में परवल जैसी आंख का चित्रांकन किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा टेम्परा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडा। आगे प्रश्न देखते हैं, लेट का अर्थ क्या है? लेट, ऑप्शन सी सही होगा, सीसा। अगला प्रश्न है, द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है? बताइए द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है, ऑप्शन सी सही होगा, पाल सिंजा की। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप का उदय किस कलाकार के प्रयास से हुआ? कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप का उदय किस के प्रयास से हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रदोष दास गुप्ता। आगे देखते हैं, मछली की तरह आंखों की चित्रकारी निम्नलिखित में से किस शैली में की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयपुर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोक शैली कहा जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा, जयपुर शैली को लोक शैली कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शैली पर ईरानी और यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुगल शैली। अगला देखते हैं, अग्र विश्व के एक श्रेष्ठ कलाकार थे, इन्हें निम्न में से किसमें श्रेष्ठता प्राप्त की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काष्ठ शिल्प में। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में भारतीय काल ईरानी प्रभाव में से मुक्त हो गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलेर। अगला प्रश्न है, किसने कला के बारे में लिखा है, कला में शैलियां नहीं होती, वहां केवल कलाकार होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुस्ताव कुर्बे। गुस्ताव कुर्बे ने कला के बारे में लिखा है, कला में शैलियां नहीं होती, केवल कलाकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शासक की रुचि चित्रकला में नहीं थी? तो औरंगजेब की रुचि चित्रकला में नहीं थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण था प्राकृतिक दृश्यों व ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चित्रण करना? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वास्तु सापेक्ष कलाकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपनी कृतियों के निर्माण में बिजली का प्रयोग करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन केज। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो कांगड़ा शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय है, प्रेम है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में स्त्रियों की आंखें किस रूप से बनाई गई? स्त्रियों की आंखें स्त्री है किस रूप में बनाई गई? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, धनुषाकार। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्र अखबार के पन्नों पर भी बने हैं? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र जितावरपुर माना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कहाँ के चित्रों में पत्थरों को पीसकर रंग तैयार किए गए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बाग गुफा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शंकर द्वारा अप्सराओं का नृत्य देखना चिन्हित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंजौर। अगला प्रश्न है, चित्रफलक में किस पर चित्रांकन किया जाता है? चित्रफलक में किस पर चित्रांकन किया जाता है? सही जवाब होगा पत्थर, लकड़ी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, किस इमारत में ताजमहल की नकल का असफल प्रयास दिखाई दिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में कलाविद वास्तुकला का समय काल मानते हैं? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला प्रश्न है, हिमाओं का मकबरा जिसमें हिंदुस्तानी और फारसी स्थापत्य का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है, किस रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफेद व काला संगमरमर। अगला प्रश्न है, गुम्बद में प्रयुक्त एक शैली जिसके अंतर्गत चौकोर कोनों को गोलाई का आकार दिया जाता है कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सक्रिय। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार में कुल 7 मंजिलें थी, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है आनंद, सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था सबसे अधिक वो शाहजहां के काल में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस काल में निर्मित हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तुगलक काल। अगला प्रश्न देखते हैं, 56 कोट दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया? 56 कोट दुर्ग बनवाया गया था गयाशुद्दीन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, धामेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था? धामेक स्तूप का निर्माण हुआ था 6 शताब्दी में। अगला प्रश्न है, A.M. आमलेलकर व रसिक रवाल ने निम्न में से किस विधा में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, टेराकोटा, सॉरी ऑप्शन बी होगा जल रंग, गलती हो गई, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जल रंग। अगला प्रश्न है, ब्रुस्ट के पुत्रों का निधन के निधन की खबर किसकी कृति है? तो ये दाविद की कृति है, ब्रुस्ट के पुत्रों के निधन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ 50 प्रश्न पूरे होते हैं, उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।